सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर पूर्णिया में बिहार पुलिस एवं 35 बिहार बटालियन एनसीसी पूर्णिया के द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। शहर के आरंसौ चौक पर यातायात डीएसपी कौशल किशोर कमल के नेतृत्व में यातायात प्रभारी मुकेश मंडल एवं यातायात पुलिस के जवानों द्वारा बाइक चालकों को रोककर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया एवं सड़क पर बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों एवं अन्य वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने भी बिना हेलमेट के बाइक सवार लोगों को गुलाब का फूल देते हुए यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, यह आपके लिए जरूरी है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए यातायात डीएसपी कौशल किशोर कमल ने कहा कि पुलिस अधीक्षक पूर्णिया के निर्देशानुसार एनसीसी के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो शहर के अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न नियमों को पालन करने के प्रति जागरूक करेंगे। आज किस तरह का कार्यक्रम है? मैं हवलदार इंस्ट्रक्टर विनीत कुमार सिंह। आज का कार्यक्रम इस प्रकार से है, 35 बिहार बटालियन एनसीसी कर्नल कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनीष वर्मा के नेतृत्व में 2 PI इंस्ट्रक्टर हवलदार विनीत कुमार सिंह, हवलदार मुकेश कुमार और 29 कैडेट्स, एक ANO पवन कुमार, जो कि हम लोग ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक पुलिस की जो ड्यूटियाँ होती है उसके बारे में इन एनसीसी कैडेट्स को कैडेट्स के द्वारा जागरूक करने की काम करने के लिए मौजूद हैं। किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? जिस तरह से, जैसे कि जो ट्रैफिक रूल में चल रहे हैं गाड़ियाँ, बाइक पर तीन तीन लोग जा रहे हैं बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, कोई इसी में से हेलमेट भी पहन के जा रहे हैं, तो उनको जो है मतलब ये गुलाब के फूल दिया जाएगा। इनको जो नहीं पहने हैं उसको जो मतलब कि उसको भी गुलाब का फूल दिया जाएगा, जो आप खुद को शर्मिंदगी महसूस करेगा, जो मैं जो पहना हुआ है उसको भी गुलाब का फूल से संबोधित किया, और जो हेलमेट नहीं पहना है उसको खुद को शर्मिंदगी महसूस होगा, जो मेरे को भी गुलाब का फूल, मैं गुलाब के फूल लेने का हकदार नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा काम सही नहीं है, फिर भी जो है हमको गुलाब का फूल दिए, आइंदा दोबारा से हमको हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। ये अभियान हमारा 3 दिन का है, ठीक है, आज आरंसा चौक का है, कल गिरजा चौक के पास होगा, फिर उसके बाद थाना चौक के पास होगा, यातायात पुलिस थाना जो है वहाँ पर होगा। 3 दिन का अभियान है हमारा, जागरूक अभियान चलेगा। हमारा नाम है हवलदार विनीत कुमार सिंह, 35 बटालियन NCC पूर्णिया। सड़क सुरक्षा को लेकर आज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? पुलिस अधीक्षक पूर्णिया के तरफ से यह प्रयास किया गया है, जिसमें हम लोग को निर्देशित किया गया कि आप लोग NCC के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित कीजिए, जिसमें जनता को यह विश्वास हो, यहाँ के सिटीजन को, भारत के सिटीजन जो है जनरली, जो खास करके जो बिहार है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कानून तो बन जाता है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर होता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है इस संदर्भ में कि हमें हेलमेट पहनना है और संपूर्ण भारत में पहनना है। इवन जो लोग दिल्ली बॉम्बे में भी रहते हैं, जब यहाँ आते हैं तो प्रायः पाए जाते हैं कि वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हम इसीलिए हम लोगों ने NCC के बच्चों को बुलाया है, ये उनको समझाएंगे कि आपको हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, सड़क सुरक्षा जो यातायात के विभिन्न नियम है उनको क्यों फॉलो करना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों से वो ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है 40-45 की उम्र के जो गार्जियन हैं, वो उनके लिए तो ये बच्चे हैं, उनके बाल बच्चे के समान है अपने, तो उनसे कन्विंस होना आसान है, तो ये चेंजिंग एजेंट है एक तरह के, जो लोगों को कन्विंस करेंगे कि भाई आपको पहनना चाहिए, और ये उनको एक उपहार स्वरूप एक फूल भेंट करेंगे, ताकि उनको अपना जो भूल कर रहे हैं उसका एहसास भी हो और बुरा भी ना लगे, तो यही प्रयास है उनके बिहेवियर को चेंज करना, और उसमें NCC महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। कितने दिनों तक चलेगी यह कार्यक्रम? 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें ट्रैफिक थाना पूर्णिया और NCC दोनों मिलकर विभिन्न स्थानों पर बच्चों की सहायता से लोगों को पहले रोकेगी जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उनको समझाएगी उपहार स्वरूप।